की सियासी खींचतान के बीच आज पंजाब में पार्टी के पूर्व प्रभारी हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश रावत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी ने अमरिंदर सिंह को कभी अपमान नहीं किया। सीएलपी की बैठक से 3 दिनों पहले तक अमरिंदर मुझसे नहीं मिले, बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें हर फैसले के बारे में जानकारी दी थी। हरीश रावत ने कहा, अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे सीएलपी की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मैं सच कहूं तो 3 दिनों तक अमरिंदर सिंह से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं मिले। रावत ने कहा कि अमरिंदर को पार्टी के हर फैसले के बारे में पूरी जानकारी थी। हरीश रावत ने आगे कहा, 2-3 दिनों से अमरिंदर सिंह के जो बयान आए हैं उससे लगता है कि वो किसी प्रकार के दबाव में हैं। सत्तारूढ़, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग, पंजाब का विरोधी मानते हैं, वह अमरिंदर सिंह को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अब हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को पंजाब का पार्टी प्रभारी बनाया है। हरीश रावत लंबे वक्त तक पंजाब में पार्टी के प्रभारी रहे। उन्हें इस पद पर रहने के दौरान ही सीएलपी बैठक बुलाई गई थी और अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रही SBN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।